चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन ऑफ मास स्मॉल एम स्टैंड ऑन अ क्रेट ऑफ मास कैपिटल एम, ही पुल्स ऑन अ लाइट रोप पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली, द अदर एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू अ क्रेट फॉर द सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम। ठीक है, द फोर्स एग्जर्टेड बाई द मैन ऑन द रोप विल बी। देखो सबसे पहली चीज इसमें ये मैं आदमी है, इसका मास है एम, तो एम जी फोर्स अर्थ की ग्रेविटी लगाएगी। ये क्रेट है यानी बॉक्स है जिसका मास कैपिटल एम है, तो अर्थ इसको भी खींचेगी एम जी फोर्स लगा के। अब ये आदमी जो फोर्स लगा रहा है इस रोप पे टेंशन, तो टेंशन का जो डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ भी होगा, इसमें भी इसमें भी, और नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो कौन लगा रहा होगा? नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो लगा रहा होगा आदमी पुली पे, और ये जो फोर्स जो मैंने दोनों बनाए हैं पुली लगा रही है इस आदमी पे, और प्लस ये जो क्रेट है उस पे लगा रही है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर लगने वाले दोनों फोर्सेस और नीचे वाले दोनों फोर्सेस का सम इक्वल होना चाहिए। इट मींस टी प्लस टी इज इक्वल टू एम जी प्लस कैपिटल एम जी। नीचे लगने वाले दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए ऊपर लगने वाले दोनों फोर्सेस के, तो यानी टू टी इज इक्वल टू एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, कॉमन ले लिया तो टी टेंशन इन द रोप जो होगा एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी बाई टू होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है? बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।